थाना हरसूद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तोरनिया निवासी केदार पिता राधेश्याम विश्वकर्मा को लड़की रागनी पसंद आने पर 40,000 रुपए उसके कथित पिता पूनम को दिए, दहेज भी दिया, लेकिन लुटेरी दुल्हन एक सप्ताह बाद गायब हो गई। फरियादी का शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर फर्जी ब्याह कराकर रकम लूटने वाले गिरोह को हरसूद पुलिस ने बंदी बना लिया, जिसका खुलासा जिला पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने किया। एसपी ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोपी जगदीश पिता हरिप्रसाद निवासी पाटाखाली, शकील पिता शरीफ, वकील पिता शकील निवासी डगावा भतपुरा एवं शरीफ पिता अहमद निवासी हरदा, पूनम पिता चंपालाल माली निवासी सोलपुर तथा रागनी परिवर्तित नाम को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर पैसे हड़पने के नाम से षड्यंत्र पूर्वक केदार से 60,000 रुपए हड़पना, लड़की रागनी को सोलपुर बुलाकर शकील और उसके लड़की वकील के साथ शरीफ पिता अहमद निवासी हरदा के यहाँ भेजना कबूल किया गया। थाना हरसूद में एक शिकायत हुई थी जिसमें एक जो फरियादी था उसने बताया था कि उससे शादी के नाम पे कह सकते हैं या फिर शादी में दुल्हन के परिवार को कुछ आवश्यकता होने पे उससे पैसे ले गए थे और शादी के उपरांत वो जो जिससे शादी हुई थी वो महिला गायब हो गई थी और जिससे शादी कराई थी वो सब भी गायब हो गए या फिर हिला वाले स्टार्ट कर दिए थे, जिसके आधार पर इसमें 420 का प्रकरण इसमें दर्ज किया गया था और जिसमें SDOP और SHO हरसूद ने लगातार इसमें मेहनत करके पूरा डेवलप किया तो पता चला कि एक गैंग इस तरह का काम कर रही है जो कि लगातार ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है जिनकी जो अपने शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और उनको टारगेट करके उनको किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे ऐड करके और वो महिलाएं चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो उसी तारतम्य में ये घटनाक्रम उन्होंने अंजाम दिया था और इसमें हमने अभी तक 6 आरोपी बनाए जिसमें से 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 आरोपी अभी गिरफ्तारी शेष है और इसके इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया है कि इन्होंने पिछले नवंबर से लेकर अभी तक अलग अलग जगहों पे इस तरह के 4 अन्य घटनाक्रम भी कर रखे हैं जिनके बारे में भी अभी आगे विवेचना में उसको सम्मिलित करके और अगर कहीं FIR वगैरह हुई हो तो उसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। जो आरोपी हैं उनके नाम जगदीश हैं निवासी पाटाखाली, शकील पिता शरीफ, वकील पिता शकील, शरीफ पिता अहमद, पूनम पिता चंपालाल और जो महिला उसका परिवर्तित नाम हमने आप इसमें दिया हुआ है, इन सबको इसमें आरोपी बनाया गया है। अभी विवेचना इसमें पूरे प्रकरण विवेचना अंतर्गत है। बिल्कुल ऐसा हमें फरियादी ने बताया कि उस संभवतः जो आधार कार्ड है उसमें भी कुछ छेड़छाड़ की गई जिसको विवेचना में सम्मिलित किया गया है, या तो फोटो उसमें शायद बदली गई है या फिर उसका कुछ नंबर वगैरह में छेड़छाड़ की गई तो उसको हम अगर ऐसा कुछ पाया जाता तो उसमें उचित धाराओं में उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।